हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जोन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बैनर बनाने के लिए साइज कैसे लेंगे। जो भी बैनर हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसका एक साइज होता है, तो साइज कैसे लेते हैं चलिए हम लोग वो देखते हैं। तो साइज लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितना फुट बाई कितना इंचेस होता है। जब बैनर हम लोग डिज़ाइन करते हैं या जब हमें कोई ऑर्डर मिलता है तो वो एक पार्टिकुलर साइज होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो बैनर हम लोग बनाते हैं या फिर डिज़ाइन करते हैं या फिर हमें कोई ऑर्डर मिलता है तो उसका जो साइज दिया जाता है वो फुट में दिया जाता है। तो हमें सबसे पहले फुट को इंचेस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो भी हमें साइज दिया जाता है बैनर बनाने के लिए वो जनरली फुट में ही दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फुट को इंचेस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें फुट से इंचेस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें 5x4 का बैनर डिज़ाइन करना है। 5x4 बोले तो 5 फुट बाई 4 फुट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस 5 फुट को इंचेस में कन्वर्ट करना होगा और इस 4 फुट को भी इंचेस में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें फुट को इंचेस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 1 फुट इक्वल टू कितने इंचेस होते हैं। 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस होते हैं। तो 5 फुट इक्वल टू कितने इंचेस होंगे, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 × 5 = 60, तो 5 फुट इक्वल टू 60 इंचेस। मैं अगेन बता रही हूँ, जैसे देखिए, 1 फुट = 12 इंचेस, 1 फुट = 12 इंचेस, तो 5 फुट = कितने होंगे, तो सिंपली हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 × 5 = 60, 60 इंचेस। अब देखिए, 4 फुट = कितने होंगे, तो हमें क्या करना होगा, जब 1 फुट = 12 इंचेस हो रहा है तो हमें सिंपली 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 × 4 = 48, यानी 48 इंचेस। 12 × 4 = 48। मान लो हमें 3x2 का बैनर डिज़ाइन करना है, तो 3 फुट इक्वल टू कितने इंचेस, तो सिंपली मैं क्या करूँगी, उसमें 12 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 12 × 3 = 36, 36 इंचेस हो जाएगा। यहाँ पर 3 फुट रहा तो कितना होगा, 36 इंचेस होंगे। जब 12 से मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 36। हमें यहाँ पर 2 रहा, तो 2 फुट को हमें इंचेस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगी मैं, सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 12 × 2 = 24, 24 इंचेस। तो हमें क्या करना है, हमें तो 5x4 का बैनर डिज़ाइन क्रिएट करना है ना। तो यहाँ पर 1 फुट = 12 इंचेस, तो 5 फुट = 60 इंचेस। कैसे, तो सिंपली हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 × 5 = 60, 60 इंचेस हो गया। अब 4 फुट = कितने इंचेस, तो 12 × 4 = 48, 48 इंचेस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, 5 फुट = कितने इंचेस हुए। तो सबसे पहले हमें इसे यूनिट जो है वो इंचेस सेलेक्ट करना होगा। अभी यूनिट्स क्या है, अभी ये मिलीमीटर्स है। तो मैं इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूँगी और यहाँ से इंचेस सेलेक्ट करूँगी। अब हमें 5x4 का बैनर बनाना है, तो 5 फुट = कितने इंचेस होते हैं, तो 12 × 5 = 60, 60 इंचेस। और 4 फुट = कितने इंचेस, तो 12 × 4 = 48, 48 इंचेस। तो मैं यहाँ पर 60x48 करूँगी, देन इंटर प्रेस करूँगी। अब इस पेज के ऊपर एक रिक्टेंगल ड्रॉ करूँगी, तो इस रिक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करूँगी जिससे ये ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करूँगी, तो देखिए ये जो हमारा पेज का एक्चुअल साइज था वो आ गया है। यहाँ पर देखिए, ये बैनर 5x4 का ये बैनर है, ये 5x4 का बैनर है। ओके, अब हमें 3x2 का बैनर बनाना है, तो 3 फुट = कितने इंचेस होंगे, तो 12 × 3 = 36। तो यहाँ पर 36 मैं कर लेती हूँ, और 2 है ना, तो 12 × 2 = 24, 24। तो देखिए, अब मैं इस रिक्टेंगल को डिलीट करूँगी, इसके ऊपर एक रिक्टेंगल ड्रॉ करूँगी। तो ये जो बैनर है वो 2x3 का है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोग बैनर बनाते टाइम कैसे साइज लेते हैं।